नमस्कार साथियों, चुनाव का माहौल बना हुआ है। हर तरफ चुनावी सरगर्मी चालू है और नेतागण व्यापक दौरे पे हैं। एक एक दिन में कई सभाएं कर रहे हैं, लेकिन जो पिछला जो रिजल्ट यानी कि जो वोटिंग हुई है उसमें परसेंटेज कम हुआ है, जिसको लेकर के हर तरफ हर नेता के मन में शंकाएं पैदा हो गई है। लेकिन चलिए आज हम बात करते हैं बक्सर लोकसभा सीट के बारे में। बक्सर जो कि बिहार में सीमावर्ती इलाका है और इस सीट पे इस बार काफी गहमा गहमी बनी हुई है। इस बार बक्सर लोकसभा सीट से चार मुख्य प्रत्याशी हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि अभी यहां पे नॉमिनेशन का दौर स्टार्ट नहीं हुआ है, नॉमिनेशन अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन जो मुख्य दो दलों से प्रत्याशी उतारे गए हैं उनमें भाजपा की तरफ से मिथिलेश तिवारी और आरजेडी के तरफ से सुधाकर सिंह। मिथिलेश तिवारी के बारे में बताऊं कि ये पहले विधायक रह चुके हैं गोपालगंज साइड से और वो वर्तमान में भाजपा के कद्दावर नेता हैं और प्रदेश में महामंत्री हैं। दूसरी तरफ सुधाकर सिंह की बात करूं तो ये आरजेडी के पूर्व सांसद और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं, ये भी विधायक हैं। अब इन्होंने तो जब अपने अपने दल से टिकट लेके आए और उसके बाद क्षेत्र में लगातार गांव-गांव में दौरा कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं, लेकिन अब इन दोनों के बारे में पहले यह था कि इन दोनों के बीच सीधा मुकाबला होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है दो और नए किरदार आ गए हैं इस चुनावी राजनीति में बक्सर में, जिसको लेकर के इस बार का मुकाबला काफी ही ज्यादा रोचक हो गया है और हर किसी की नजर इस बार बक्सर लोकसभा सीट पे है। आनंद मिश्रा एक ऐसा नाम है जो कि असम में ये आईटीएस थे, इन्होंने अपनी नौकरी से त्याग पत्र देकर के बक्सर आए और इन्होंने भी दौरा स्टार्ट किया। हर गांव, हर शहर, हर मोहल्ले में घूमते हैं और इनके साथ स्थानीय लोगों का हुजूम है, स्थानीय युवा काफी ज्यादा इनके साथ है। और जब ये नौकरी छोड़ के बक्सर में आए तो ये हर तरफ हंगामा था, हर तरफ ये बातचीत थी कि भाजपा से ये टिकट लेकर के आएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से इनको टिकट नहीं मिला। तो ये उम्मीद लगाया जा रहा था कि जब इनको टिकट नहीं मिलेगा तो ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन इन्होंने उसके बाद टिकट घोषणा होने के बाद और भी जोरों से इन्होंने अपना जनसंपर्क अभियान चालू किया, यानी कि नॉमिनेशन जब होगा तो तस्वीर क्लियर होगी कि आनंद मिश्रा कितने मजबूत हैं, आनंद मिश्रा कितना चुनाव में भागीदारी निभाते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का यह कहना है कि आनंद मिश्रा नॉमिनेशन नहीं करेंगे, चुनाव में वो भागीदारी नहीं निभाएंगे और वो बैठ जाएंगे भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में, चुनाव से बाहर हो जाएंगे, ऐसा ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। अब दूसरी तरफ मैं बात करूं आरजेडी की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि पांच बार के विधायक और मंत्री रह चुके डुमराव के ददन पहलवान नॉमिनेशन करने वाले हैं। ददन पहलवान नॉमिनेशन करेंगे और ददन पहलवान लगातार क्षेत्र में भ्रमण पे हैं, क्षेत्र में जनसंपर्क में हैं। अब जो राजनीतिक जानकार हैं उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी के वोट को काटेंगे आनंद मिश्रा और आनंद मिश्रा के चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें खड़ी होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के सुधाकर सिंह की भी मुश्किलें खड़ी होने वाली है ददन यादव अगर चुनाव लड़ते हैं तो, यानी कि दो मुख्य किरदार हैं और इन दोनों के पीछे एक तरफ आनंद मिश्रा है, एक तरफ ददन यादव है।
राजनीतिक गहमा गहमी राजनीतिक चर्चा काफी तेज है और यही कहा जा रहा है कि ये दोनों लोग मुख्य उम्मीदवारों की मुसीबतें बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो युवा वर्ग है उनका यह कहना है कि बक्सर में इस बार स्थानीय आनंद मिश्रा ही चुनाव जीतेंगे। कुछ सर्वे आए, सर्वे में यह दिखाया जा रहा है कि बक्सर सीट भारतीय जनता पार्टी हार रही है और वहां से आरजेडी के सुधाकर सिंह जीतेंगे। अब एक सर्वे कल और आया, इसमें यह बताया जा रहा है कि आनंद मिश्रा चुनाव जीत रहे हैं। नंबर टू पे सुधाकर सिंह है आरजेडी के और नंबर तीन पे मिथिलेश तिवारी हैं भाजपा के। तो सर्वे की मैं बात तो नहीं करूंगा क्योंकि सर्वे कई लेवल पे होते हैं, उसमें अपने पक्ष में भी सर्वे लोग करवाते हैं। लेकिन अगर गांव-गांव घर-घर की बात करें तो पिछले 10 साल में बक्सर में जो सांसद रहे वो भागलपुर से आए थे, अश्वनी चौबे, केंद्र में मंत्री भी हैं। उनके बारे में ये कहा जाता है कि बक्सर का विकास नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी शेयर कर किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे कि उन्होंने 10 साल में कितने विकास किए। चलिए, चर्चा का विषय ये नहीं है कि विकास हुआ या नहीं हुआ। स्थानीय लोगों में एक मांग थी कि बक्सर से सांसद जो भी बने वो स्थानीय हो, लेकिन उनकी मांग सुनी तो गई। अश्वनी चौबे का टिकट काट करके उनको रोका गया, लेकिन जो दूसरा उम्मीदवार आया वो भी बाहर से आया। इसको लेकर के खास करके युवा वर्ग में बक्सर में बहुत ही नाराजगी है और बक्सर के युवा एक पूर्व आईपीएस जो कि यंग भी हैं और सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं, जिसको लेकर के एक अलग ही चार्म बना हुआ है, एक अलग ही माहौल बना हुआ है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा तरह तरह की बातें आएंगी, तरह तरह की चीजें निकल करके सामने आएंगी। अब देखना यह है कि स्थानीय जो युवा वर्ग है और वोटर की मैं बात करूं तो करीब 4 लाख ब्राह्मण वोटर है बक्सर लोकसभा क्षेत्र में, लेकिन 3.5 लाख यादव वोटर भी हैं और 3 लाख के करीब राजपूत वोटर भी हैं। ये बड़े ही निर्णायक साबित होंगे और मामला इस बार बक्सर में काफी फंसा हुआ है। अभी तक कोई भी ऐसा रूपरेखा नहीं बना है जिसे हम कह सकें कि ये उम्मीदवार जीत रहा है, लेकिन मुकाबला कठिन होने वाला है इतना तो सबको पता है। और इस बार बक्सर सीट से भाजपा के भी मुश्किलें, राह इतनी आसान नहीं है, मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि आनंद मिश्रा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और आनंद मिश्रा अगर चुनाव से हट जाते हैं तो भाजपा के लिए राहें आसान हो जाएगी। सुधाकर सिंह के सामने मुश्किलें बढ़ाने के लिए ददन यादव चुनाव मैदान में हैं, ददन यादव चुनाव लड़ते हैं तो सुधाकर सिंह के लिए मुश्किलें बढ़ेगी। तो ये समीकरण वहां बक्सर में काफी ज्यादा इस बार गड़बड़ हो रखा है। लेकिन चलिए, जैसे जैसे समय बीतेगा आपको मैं अपडेट दूंगा और मैं तो इतना ही कहूंगा, जिसका भी चुनाव करें सोच समझ करके करें। जय हिंद, जय भारत।